शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। शहर में आए दिन कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। अब कोरोना शहर के हर परिसर में पहुंच चुका है, साथ ही अब कोरोना ने दमकल विभाग के दफ्तर में दस्तक दी है। दमकल विभाग के अधिकारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिससे अब दमकल विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों में आए दिन इजाफा हो रहा है। पहले कोरोना कुछ परिसर तक मर्यादित था, लेकिन अब शहर के कई परिसरों में कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। अब कोरोना संक्रमण दमकल विभाग तक पहुंच गया, जहां एक कोरोना संक्रमित पाया गया है। डिपार्टमेंट की तरफ से तो सारी खबरदारी ली गई है। सारे स्टेशन में सैनिटाइजिंग मशीन्स अवेलेबल है, वो बैकपैक अवेलेबल है, और क्योंकि हम ही पूरा शहर सैनिटाइज कर रहे हैं तो हमारे पास गाड़ियां भी है। और जैसे ही कोई बाहर से इवन डेड बॉडीज को हैंडल करके आता है, पीपीई किट सारो के पास दिए गए इस काम के लिए, और सोडियम हाइपोक्लोराइड से लेके तो अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से लेके तो मास्क सारे और ग्लोव्स, ये सारा कर्मचारियों को पर्याप्त प्रमाण में दिए गए। दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र उचके इन्होंने बताया कि विभाग की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। पाए गए कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आए 33 लोगों की कोरोना टेस्ट की जाएगी, साथ दफ्तर के अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा के एहतियात के तौर पर जांच की जाएगी। आए दिन उपराजधानी में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है, साथ ही उपराजधानी का कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3027 तक पहुंच गया है। साथ ही अब विविध जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, उसी में अब दमकल विभाग का भी नाम जुड़ गया है। दमकल विभाग से भी एक अधिकारी जो है कोरोना संक्रमित पाए जाने से अब दमकल विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपरागढ़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।